सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं नाम अरविंद है, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कमल हसन, विजय सेतुपति, फहद फाजिल, ये तीन सिर्फ नाम नहीं, ये ब्रांड है। एंड खास तौर पे तमिल रीजन्स में इनकी जो फैन फॉलोइंग गाइस काफी जबरदस्त, मतलब चुम्मेश्वरी, काफी जबरदस्त, सच में काफी जबरदस्त। मतलब बुक माई शो के ऊपर आप अगर इसकी चेक करोगे ना इंटरेस्ट, भाई साहब 2.2 मिलियन, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है किसी मूवी को इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिला। और मैक्स टू मैक्स कितने होते थे, 4 लाख 5 लाख 6 लाख, लेकिन भाई साहब 2.2 मिलियन अपने आप में काफी बड़ा रिकॉर्ड है। एंड जो कलेक्शन आएंगे काफी तबाही आएंगे, नो डाउट। मूवी को भाई साहब स्क्रीन्स भी मिले लगभग 2000 से ज्यादा स्क्रीन्स इसको ऑल ओवर इंडिया मिला है। एंड खास तौर पे जो इसके तमिल रीजन से, जो तेलुगु स्टेट से, वहां पे इसको 400-500 से ज्यादा स्क्रीन्स तो सिर्फ और सिर्फ वहीं से। तो ये समझ जाओ कि मूवी नॉर्थ साइड मतलब इस तरफ कमाए या ना कमाए, लेकिन डेफिनेटली साउथ साइड में, खास तौर पे तमिल रीजन्स में काफी बम्पर ओपनिंग मूवी डेफिनेटली करके ही छोड़ेगी, नो डाउट। काफी बड़े कलेक्शंस आएंगे ही आएंगे। एंड यहाँ पे इसके अगर एडवांस बुकिंग की बात करते हैं, सो गाइस जैसे कि आपको मालूम है कि इसकी एडवांस बुकिंग भी चालू हो चुकी है, अभी आई थिंक सैटरडे को इसकी एडवांस बुकिंग चालू हुई है। एंड यहाँ पे एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं मूवी के, फिलहाल के टाइम पे डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहुंच चुके हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग की अगर बात करूँ, सो 1.8 करोड़ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तमिल रीजन से, तमिल लैंग्वेज से इसके एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स आए। मतलब 1.8 करोड़ काफी बड़ा नंबर है। एंड कुछ ही टाइम में हुआ है एडवांस बुकिंग 1.8 करोड़ सिर्फ और सिर्फ तमिल लैंग्वेज में, इसका मतलब काफी बड़ी तबाही डेफिनेटली तमिल रीजन में ये मूवी कमाने वाली है। एंड खास तौर पे जो इसके तमिल रीजन से अगर बात करूँ तो चेन्नई, बेंगलुरु एंड कोयम्बतूर से ऐसे कलेक्शंस वाकई में काफ़ी तगड़े आए हैं। अब ये समझ लो कि मूवी भले नॉर्थ साइड में मूवी को कलेक्शंस करने में दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पे सम्राट पृथ्वीराज आ रहा है एंड साथ साथ में मेजर भी है, सो मेजर इसको डेफिनेटली टक्कर दे, क्योंकि हिंदी ऑडियंस तो भाई सम्राट पृथ्वीराज को जाएगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अब अगर बात करता हूँ दूसरी जो ऑडियंस हमारी रहेगी नॉर्थ में, तो वो लोग यहाँ पे मेजर की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, उम्मीदें ऐसी हैं। लेकिन भाई साहब एक चीज़ की गारंटी कि नॉर्थ में भले ही मूवी विक्रम ज़्यादा ना कमा पाए, लेकिन जो इसका ओपनिंग कलेक्शंस रहेंगे तेलुगु स्टेट्स में, खास तौर पे भाई तमिल लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा तगड़े। एंड गाइस अगर फर्स्ट डे मूवी चल गई, ट्रस्ट मी, फर्स्ट डे अगर मूवी चल गई, फर्स्ट डे अगर स्टोरी ने लोगों का दिल जीत लिया, मूवी काफ़ी बड़ी बम्पर कलेक्शंस करेंगे, काफी लंबा टलेगी। मतलब ये समझ लो कि काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर, भाई सिंपल सी बात है, काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि तीनों बंदों की स्टारडम सब जानते हैं, तीनों किस लेवल के एक्टर हैं आप सब जानते हैं। अब मेन चीज यहाँ पे क्या है कि स्टोरी, स्टोरी के अंदर कितना दम रहेगा वही डिसाइड करेगा मूवी का कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। देखो हिट तो मूवी ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि जब 2.2 मिलियन लोग यहाँ पे इंटरेस्ट शोज कर चुके हैं, इसका मतलब वही लोग जब देखने पहुंच जाएंगे तो मूवी वैसे हिट हो जाएगी फटाक से, नो डाउट। लेकिन ब्लॉकबस्टर मूवी तब होगी जब इसकी स्टोरी में दम होगा, इसकी एक्चुअली कहानी में अगर दम हुआ तो मूवी और भी बंदे देखेंगे, नॉर्थ वाले बंदे भी देखेंगे, डेफिनेटली बहुत बड़ी सक्सेसफुल मूवी साबित हो सकती है। काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ फेस करना पड़ सकता है सम्राट पृथ्वीराज और मेजर को भी, इससे थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। अब देखते हैं क्या कलेक्शन आते हैं, फिलहाल के टाइम पे सिचुएशन ऐसा है कि मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन आ सकता है कम से कम 15 से 20 करोड़ के चांसेस अभी भी नजर आ रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है, क्या विक्रम कुछ बहुत बड़ा कलेक्शन करेगा, क्या यहाँ पे कमल हसन, विजय सेतुपति और फहद फाजिल का जलवा चलेगा, कितनी जबरदस्त देखने लायक मूवी रहेगी, क्या कुछ होगा वो तो मालूम पड़ेगा। जो भी होगा आपका भाई जरूर शेयर करें, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।